नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुद्रपुर में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि से आक्रोशित महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो महंगाई रोकने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में आगे आए। इससे पूर्व शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं किच्छा बाईपास रोड स्थित झील के सामने शिवनगर मोड़ पर एकत्र हुई और उन्होंने अपने हाथों में रसोई गैस सिलेंडर के कटआउट और कांग्रेस के झंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रही। यहां उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीरा शर्मा ने कहा कि आज महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सब्जी, अनाज, राशन, पेट्रोल पदार्थ के साथ साथ रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर आम आदमी को 1000 से भी ज्यादा में मिल रहा है, जिस कारण वह रसोई गैस न लेकर चूल्हे पर ही खाना बनाने को मजबूर है। शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने शासन में हर तरह अराजकता का माहौल है। इस अवसर पर प्रदर्शन करने वाली प्रमुख महिलाओं में पार्षद प्रीति साना, पार्षद बबीता बैरागी, सरोज रानी, पूनम गुप्ता, मोनिका ढाली, उमा सरकार, सीमा देवी, इंद्रावती, नीलिमा विश्वास, रागिनी मिश्रा, सुनीता प्रजापति, आशा रानी, साक्षी रस्तोगी, अनीता चौधरी सहित बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा अच्छा दिन ला दिए कि लोग घर में खाए बिना मर रहे हैं, सारा चीज महंगा कर दिए। ऐसा तो हम लोग लाइफ में कभी हुआ ही नहीं। हम लोग इनके राजनीति से बिल्कुल गुस्से में हैं और बीजेपी सरकार से बड़ी दुखी है। मोदी जी हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, दिन बसा दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। इससे ज़्यादा मैं सब ठीक है, बच्चों को कैसे किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ है ना, हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए और ना ही हमारे सिलेंडर आज सस्ते हुए। पहले 400 के सिलेंडर, 450 के सिलेंडर आज 850 गए। किचन में अब तो सरसों का तेल भी बहुत महंगा हुआ, जहाँ 80 रुपए का तेल था आज वो 150 रुपए का तेल है। तो कहाँ जाए अच्छे दिन लेके, कहाँ जाए? ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए और कभी नहीं। और पहले तो कांग्रेस के टाइम पर हमारा जो अच्छे दिन था वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। इसलिए हम बीजेपी सरकार से बहुत बहुत नाराज़ हैं। महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से सत्ता में आने से पहले भाजपा ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को खुशहाल रखेंगे, लेकिन अच्छे दिन का जो नारा दिया था आज कहीं भी अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम सीमा पर है। इस तरह से सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है और जो गरीब आदमी घी तो खा नहीं सकता, जो सरसों के तेल से जो काम चलाते थे आज वो सरसों का तेल भी 150 से पार हो गया है। तो गरीब आदमी के लिए और हर आदमी के लिए इस महंगाई में किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए धनगर शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।